हाय, हाउ आर यू डूइंग। आपको वीडियो का टॉपिक तो पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ 30 वर्ड्स, लीगल टर्म्स, जनरल लैंग्वेज टर्म्स, इंग्लिश यूजेज टर्म्स सीखने वाले हैं, उनका सही और गलत प्रोनंसिएशन देखने वाले हैं, उनके मीनिंग देखने वाले हैं। क्योंकि जब आप ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं, मूवीज में देखिए, न्यूज़पेपर में पढ़िए, तो आपको उनका मतलब तो फिर भी समझ आ जाता है, लेकिन प्रोनंसिएशन में हम लोग अक्सर अटक जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आई हैव पिक्ड अप अच्छे अच्छे किताबों से मैंने कुछ 30 वर्ड्स उठाए हैं जो कि आपके डेली यूजेज में आ सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड इज एलिबाई। एलिबाई बहुत सारी मूवीज में यूज होता है। एलिबाई का मतलब क्या होता है? कोई भी पीस ऑफ एविडेंस या फिर कोई भी ऐसा एक्ट जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति जब कोई क्राइम हो रहा था तो वो वहां पे प्रेजेंट था ही नहीं, दैट इज एलिबाई। इसका करेक्ट प्रोनंसिएशन एलिबाई है। सारे वीडियोस में आप देख सकते हैं कि जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, वर्ड का जो स्पेलिंग है उसके साथ मैंने पेन बनाया हुआ है, तो वो लिखा ऐसे जाता है, लेकिन जहां स्पीकर बना है वो बोला ऐसे जाएगा, एलिबाई। ठीक है, सो द नेक्स्ट वर्ड इज क्या वर्ड है हमारे पास? एमिकस क्यूरे। एमिकस क्यूरे क्या बोलता है? देखिए, जैसे लिखा है एमिकस क्यूरे, एमिकस क्यूरे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कभी कभी दो पार्टी के अलावा कोई बाहर से एक एक्सटर्नल पार्टी आती है जो कि कोर्ट की हेल्प करती है उस कोर्ट को, उस केस को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एमिकस क्यूरे। आई होप कि आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन को देख के तो आसान रहेगा। नेक्स्ट इज वर्ड इज एनिमस। एनिमस वर्ड के पीछे बहुत सारे वर्ड जैसे लग जाते हैं जिससे कि उनके लैटिन मैक्सिम्स नए नए डिराइव हो सकते हैं। एनिमस वर्ड का मतलब होता है इंटेंशन। तो पहला वर्ड एनिमस के साथ हमने यूज किया है, दैट इज एनिमस फुरेंडी। एनिमस फुरेंडी, फुरेंडी का वर्ड का मतलब होता है टू स्टील, चुराना कुछ। तो एनिमस फुरेंडी का मतलब क्या हुआ? इंटेंशन टू स्टील। यदि आप ये बात प्रूव कर दे दैट यू हैड नो एनिमस फुरेंडी, तो आपके आपके एक्विटल के चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट इज एनिमस फुरेंडी, इंटेंशन टू स्टील। सेम नेक्स्ट वर्ड इज एनिमस नोसेंडी। आप प्रोनंसिएशन पे ध्यान रखिएगा, नोसेंडी का मतलब होता है टू हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना। तो एनिमस नोसेंडी इज इंटेंशन टू हार्म। नेक्स्ट एनिमस के साथ हम यूज कर सकते हैं एनिमस पॉसिडेंडी। देखिए अगेन प्रोनंसिएशन पे पॉसिडेंडी, एनिमस पॉसिडेंडी। पॉसिडेंडी का मतलब होता है पोजेस करना, कुछ अपने पास रखना, इंटेंशन टू पोजेस, एनिमस पॉसिडेंडी। नेक्स्ट एनिमस के साथ ही एनिमस रेवर्टेंडी। रेवर्टेंडी, 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 रेवर्टेंडी का मतलब होता है रिटर्न। सो इंटेंशन टू रिटर्न, एनिमस रेवर्टेंडी। नेक्स्ट इज एनिमस बेलिजरेंडी। बेलिजरेंडी का मतलब क्या होता है? आपने बेलिजरेंट, बेलिजरेंट इज अ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड, बेलिजरेंट का मतलब होता है बहुत लड़ाकू। आप इसको बिल्ली से याद रख सकते हैं, बेलिजरेंडी। सो बेलिजरेंडी इज टू फाइट, टू वॉर। ठीक है, तो इंटेंशन टू फाइट, इंटेंशन फॉर वॉर, स्पेशली इंटरनेशनल लॉ का टर्म है ये एनिमस बेलिजरेंडी। इट्स नॉट बेलिग्रेंडी, इट्स नॉट ग, इट्स ज, बेलिजरेंडी। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज एनिमस कॉन्ट्राहेंडी। कॉन्ट्राहेंडी, कॉन्ट्राहेंडी नाम से समझ आ रहा है टू इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारे वर्ड्स थे जो एनिमस के साथ हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, इट इज दे फैक्टो। दे फैक्टो, बाय द फैक्ट, फैक्ट ये कहता है। जैसे कि इंडिया में हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, लेकिन असल में बाय फैक्ट हु इज द हेड, कौन है जो करता धरता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। तो बाय द फैक्ट, दे फैक्टो, दे फैक्टो। और अगर लॉ किसी बात को कहता है तो दे ज्यूरे, दे ज्यूरे, ज्यूरे, दे ज्यूरे इन लॉ। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अफिडेविट। इट्स नॉट एफिडेविट, इट्स अफिडेविट, अफिडेविट। अफिडेविट एक फॉर्मल स्टेटमेंट है, एक तरीके का कंफर्मेशन है, ओथ है, जो ये कहता है कि जो आपने दिया, जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपने लिख कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमनी, इट इज राइट, अफिडेविट, अफिडेविट। नेक्स्ट वर्ड इज एक्टस रियस। एक्टस रियस का मतलब ये क्राइम का एक असेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है कि कोई भी एक्शन, कोई कंडक्ट, आपने कुछ किया तो हो, दैट इज योर एक्शन कंडक्टेड बाय यू, इट इज एक्टस रियस। इसी के साथ एक चीज आ जाती है जिसको कहते हैं हम मेंस रिया। इट्स नॉट मेंस,
इट्स मेंस ज मेंसरिया क्या बोलता है गिल्टी माइंड कि आपका इंटेंशन गलत था, आपका इंटेंशन था उस एक्टस रियस को करने का, ठीक है, दैट इज मेंसरिया. नेक्स्ट वर्ड इज अब इनिशियो. अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग. अब इनिशियो शुरुआत से, इनिशियल शुरुआत से, अब इनिशियो. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, आप मेरे साथ प्रोनाउंस करते जाएगा, देखिए आपका प्रोनाउंसिएशन कितना इंप्रूव हो जाएगा. अगला वर्ड है आर्बिटरेशन. इट्स नॉट आर्बिटरेशन, र इज साइलेंट, इट्स नॉट आर्बिटरेशन, इट्स आर्बिटरेशन. आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, इट्स एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्विंग पार्टी, जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में अगर कोई डिस्प्यूट है तो इसका एक ऑल्टरनेट रिजोल्यूशन होता है, वो जाके आर्बिट्रेशन के पास जाके उसको रिजोल्व कर सकती है, आर्बिट्रेशन. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपार्टे. आपने बहुत बार सुना होगा एक्सपार्टे, इट्स अ वेरी कॉमन टर्म. इट्स नॉट एक्सपार्टे, र इज अगेन साइलेंट, एक्सपार्टे. एक्सपार्टे का मतलब होता है जब कभी एक ही पार्टी की बात सुनकर उसका डिसीजन दे दिया जाता है, सो इन द इंटरेस्ट ऑफ वन साइड ओनली, एक्सपार्टे. एक सिक्के का एक ही पहलू देखा गया है. नेक्स्ट इज सबजुडिसी. सबजुडिसी, कुछ लोग इसको सबजुडाइज भी बोलते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सबजुडिसी इज द राइट प्रोनंसिएशन. सबजुडिसी का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो मैटर है वो अभी एडजुडिकेशन में है, अभी जो उसका जुडिशियल एडजुडिकेशन जो है, जुडिशियल कंसिडरेशन जो है, वो चल रहा है, फाइनल जजमेंट कोर्ट ने नहीं दिया है, सबजुडिसी अभी वो है, कोर्ट के अंदर है. जब तक कोर्ट किसी मैटर को सुन रहा है, उसके ऊपर ट्रायल कर रहा है, तब तक वो पार्टी उसी पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के लिए किसी और कोर्ट में नहीं जा सकती. दिस इज कॉल्ड सबजुडिसी. सबजुडिसी कहता है अंडर जुडिशियल कंसिडरेशन एंड देयरफॉर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पब्लिक डिस्कशन एल्सवेयर, सबजुडिसी. नेक्स्ट वर्ड इज एडजुडिकेशन. अभी हमने पिछले वाले वर्ड में भी देखा, एडजुडिकेशन का मतलब कि वो जजमेंट आना है, फॉर्मल जजमेंट. इट्स नॉट एडजुडिकेशन, इट्स एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन, एडजुडिकेशन मतलब अ फॉर्मल जजमेंट ऑन अ डिस्प्यूटेड मैटर, एडजुडिकेशन. नेक्स्ट इज डिक्री. डिक्री, किसी भी कोर्ट की कोई पावर कि वो ऐसा कर सकती है, उसके पास जो पावर है, उसके पास जो उसका डिसीजन मेकिंग राइट्स है, दैट इज कॉल्ड डिक्री, एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट हैज द फोर्स ऑफ लॉ. नेक्स्ट वर्ड इज बोनाफाइड. कुछ लोग इसको बोनाफाइड भी बोल सकते हैं. बोनाफाइड इज ऑल्सो द राइट प्रोनाउंसिएशन, बट द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज बोनाफाइडी, बोनाफाइडी. सो कोई भी इंटेंशन जब आपकी खराब नहीं होती है, आपको गुड फेथ में आपने कोई काम किया होता है, आपका इंटेंशन किसी को धोखा देने का नहीं था, दैट इज बोनाफाइडी या फिर बोनाफाइड. नेक्स्ट इसी का उल्टा मैलाफाइडी या फिर मैलाफाइड, दोनों ही प्रोनंसिएशन बिल्कुल ठीक है. मैलाफाइडी गलत इंटेंशन, बैड इंटेंशन, आपका इंटेंशन किसी को डिसीव करने का था, मैलाफाइडी, मैलाफाइड. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रेट्रियोस्पेक्टिव. रेट्रियोस्पेक्टिव, इट्स नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, इट्स रेट्रियोस्पेक्टिव. मेरे साथ बोल के देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आपके प्रोनंसिएशन बहुत बेटर हो जाएगा. रेट्रियोस्पेक्टिव क्या कहता है, जब कभी हम कोई किसी पुराने इवेंट की बात करते हैं, कुछ जो पास्ट में हुआ था, जैसे रेट्रो गाने होते हैं, है ना, बोलते हैं ना पुराने गाने, तो अगर आप किसी पास्ट के किसी लुकिंग बैक और डीलिंग विद पास्ट इवेंट और सिचुएशन, पिछली कोई पुरानी बात के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ऑडी एल्ट्रम पार्टम. ऑडी का मतलब होता है ऑडिबल, कुछ जो सुनाई दे, ऑडिबल. ऑडी एल्ट्रम का मतलब होता है अदर, दूसरा. पार्टम का मतलब होता है पार्टी. ऑडी हियर द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी की भी बात हमें सुननी चाहिए, ये बात कहता है ऑडी एल्ट्रम पार्टम. प्रोनंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, ऑडी एल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर पार्टी. आई होप यू आर एंजॉइंग इट. 24th वर्ड कहता है प्राइमा फेशे. प्राइमा फेशे, कुछ लोग इसको प्राइमा फेशे बोलते हैं, प्राइमा फेसी बोलते हैं, या फिर परिमा फेसी बोलते हैं. दीज आर नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज प्राइमा फेशे. प्राइमा फेशे मतलब पहली नजर में, एट द फर्स्ट साइट. एट द फर्स्ट साइट हमने क्या, उसके हमारे पास फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, प्राइमा फेशे. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज 25th वर्ड विच सेज रिपील. किसी चीज को अनल कर देना, रद्द कर देना, डेड कर देना, रिवोक कर देना, बहुत सारे लॉज जो है वो रिपील हो जाते हैं. इट्स नॉट रिपील, इट्स रिपील. ओके, रिपील.
So the right pronunciation is rupee. Next word is fugitive. Fugitive का मतलब होता है भगोड़ा, कि कोई भी एक स्टेट से कोई क्राइम करके एक स्टेट से दूसरी स्टेट गया हुआ है, छुपा हुआ है, हाइडिंग है, कैपेसिटी में हमें नहीं दिख रहा है, that is called fugitive. Next word is 47th word, it says extradition. Extradition का मतलब होता है कि जब कभी भी कोई एक क्रिमिनल किसी एक कंट्री में क्राइम करके दूसरी कंट्री में चला गया, और फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी या विजय माल्या, उन्होंने इंडिया में क्राइम किया और वो भाग के लंदन चले गए, फ्यूजिटिव, ओके, वहां चले गए. अब इंडिया जो कंट्री है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमें उसको दो, उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को हमें सौंपो, ताकि हम उसको यहाँ पर ट्राई कर सके जो उसने गलत किया है. ये जो रिक्वेस्टिंग का प्रोसीजर है, और वो जब उसको सौंप देगा यूके, उसको कहेंगे एक्स्ट्राडिशन. इस प्रोसेस को कहते हैं एक्स्ट्राडिशन. एग्जैक्ट हिंदी में मतलब अगर हम लेमैन में देखें तो इसका मतलब होता है देश निकाला, ठीक है. तो जब कभी कोई दूसरी कंट्री जहां पे वो भागा हुआ है, रिक्वेस्टेड कंट्री है, रिक्वेस्टेड कंट्री को उस पर्टिकुलर क्रिमिनल को, एक्यूज्ड को, कन्विक्ट को, क्रिमिनल भी नहीं, एक्यूज्ड को या कन्विक्ट को सौंप देगा, उसको बोलते हैं हम एक्स्ट्राडिशन. एक्स्ट्राडिशन प्रोनंसिएशन देखिएगा. नेक्स्ट वर्ड कहता है रेशियो डेसिडेंडी भी कुछ लोग बोलते हैं, वो भी कुछ हद तक ठीक है, मगर एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन इज रेशियो डेसिडेंडी. रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है कि किस बेसिस पे कोई फैसला लिया गया है, क्या लॉ है, क्या प्रिंसिपल यूज किया गया था कि इस जजमेंट पे कोर्ट आया. द रूल ऑफ लॉ ऑन विच द जुडिशियल डिसीजन इज मेड, ठीक है, रेशियो डेसिडेंडी. नेक्स्ट वर्ड इज रेस जुडिकाटा. हम लोगों ने सब जुडिस पढ़ा था, इसी का ही फॉर्म है एक रेस जुडिकाटा. रेस जुडिकाटा क्या बोलता है कि जो कोर्ट है उसने अपना एडजुडिकेशन दे दिया, उसने अपना फैसला सुना दिया है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने. अब सिमिलर कॉम्पिटेंसी के किसी भी कोर्ट में आप उसी मैटर को लेके नहीं जा सकते हो. अगर आपको अपील करना है तो आप ऊपर के कोर्ट में करोगे. तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर एडजुडिकेशन हो चुका है, फैसला सुना दिया गया है, तो आप सिमिलर कोर्ट में उसको नहीं फॉरवर्ड कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड रेस जुडिकाटा. रेस pronunciation again, res judicata. तो क्या कह रहा है? A matter that has been adjudicated by the competent court and therefore may not be pursued further by the same parties in the similar capacity of the courts. And the last word is prejudice. Prejudice का मतलब होता है जब कभी भी हम कोई भी preconceived thought दिमाग में रखते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, एक stereotype बना लेते हैं, उसको बोलते हैं prejudice. It's not prejudice. It's prejudice. Okay? So I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो stay tuned. Happy learning. ज्ञान बांटने से बढ़ता है. अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि मैं और अच्छे-अच्छे videos बना पाऊँ. And show some love if you like it. Thank you so much. Channel subscribe नहीं किया तो कर लेना, ठीक है. मेरे को ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता ये बात. फिर भी चलिए, bye bye.